वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले, उसी के साथ न्यूज़ भी चेक करेंगे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने फ्राइडे के लिए 90.60 पे क्लोजिंग दी थी। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टिंग वैल्यू में इंसफिशिएंट डाटा है, पर यहाँ पे आरओई वर्सेस एफडी रेट की भी बात की जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न देता है। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है। एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है क्योंकि स्टॉक ओवरब्रॉट जोन में ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक ओवरब्रॉट जोन में, तो एंट्री करने के लिए अच्छा मौका नहीं है। और स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिड कैप का स्टॉक है, तकरीबन मार्केट कैप 17,996 करोड़ की है। और रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में रिसेंटली ये स्टॉक है। फॉरकास्ट रिपोर्ट की भी बात की जाए तो फॉरकास्ट रिपोर्ट में यहाँ पे इंसेप्शन डाटा है। और न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ भी करंटली कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। तो होल्डिंग की भी बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कम होती हुई नजर आ चुके। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 19.74% की है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 0.0 है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 11.55% है फॉरेन, और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है 68% की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखे जाए तो फाइनेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे FY 2021 में अच्छा था, FY 2020 से भी अच्छा, हर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हो, हम यहाँ पे नेट इनकम भी है, हर साल यहाँ पे बढ़ती हुई ऊपर चली गई है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए, एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते सिर्फ डिविडेंड कम देता है और यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली ओवरब्रॉड जोन में है। तो ये लेटेस्ट अपडेट बीसीजी स्टॉक के लिए।